तो हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 5th डे की वीडियो है। हमने जर्नी इकट्ठे स्टार्ट करी थी, एक साथ स्टार्ट की थी, और एक हमने टारगेट बनाया था कि हमें एक हफ्ते तक सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, और उसका आज 5वां दिन है। अब शाम हो चुकी है और ये वीडियोस मैं शाम को दोस्तों इसलिए डालता हूं ताकि आप रिलैक्स माइंड से मेरी वीडियोस को देख सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। तो देखिए गाइस, इस पांचवें दिन की जो वीडियो है, इसमें हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। आप कमेंट करके शेयर करेंगे, मैं ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूं। तो देखिए गाइस, अभी रिसेंट की बात है कि मुझे एक डेनिम का जैकेट पसंद था। मेरे मन में आया कि यार, आज जाकर मैंने डेनिम का जैकेट लेके आना है। हर हाल में मुझे डेनिम का जैकेट लेके आना है, और मेरे लिए रखा हुआ वो शॉप पे, मैं जाऊंगा और लेकर आ जाऊंगा। अब मैंने यूनिवर्स को क्या कमांड दी? मैंने यूनिवर्स को ये कमांड दी कि मेरे लिए जैसा मुझे डेनिम का जैकेट चाहिए वो शॉप पे रखा है, मेरे लिए रखा है, और मैं जाकर उसे ले आऊंगा। अब देखिए, ना मैंने इसमें कोई पैसों की बात की, ना मैंने किसी कंपनी की बात की, नहीं। जैसा मैंने डेनिम का जैकेट देखा था, मैंने ऑब्वियसली बात है फोटो में ही देखा था, जैसा मैंने डेनिम का जैकेट देखा था वैसा जैकेट मेरे लिए एक शॉप पर रखा है, और मैं जाऊंगा और उसको ले आऊंगा। अब देखिए गाइस, हुआ क्या? मैं गया एक शॉप पर, फर्स्ट शॉप। मैंने वहां पर वही जैकेट देखा जिसको मैंने अट्रैक्ट किया था। देखने पर पसंद तो मुझे था। मैंने पूछा कि इस जैकेट का भैया क्या प्राइस है इसका? उन्होंने मुझे कहा 5,000 रुपए। अभी देखिए, जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है ना, तो हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि यार मैं नहीं ले सकता, और ये तो बहुत महंगा है, या मैं यार 5,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है, अब मैं इसको कैसे लूंगा। या हम कोशिश करेंगे कि यार तू यार थोड़ा कम दे दे, लेकिन हम बड़ी शॉप पे जाते हैं, शोरूम में, तो हमें थोड़ा सा यार हेजिटेट होते हैं कि यार ये पता नहीं पैसे कम करेगा नहीं करेगा। वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं तो उसमें भी होता है कि यार ऐसे पैसे थोड़ी ना कम कराए जा सकते हैं। मैंने दोस्तों इससे पहले, देखिए हर किसी के मन में थॉट आ सकता है, नेगेटिव थॉट किसी के भी मन में आ सकता है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया कि यार ये बहुत महंगी, मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। मैंने कहा कि मैं मेंटली इस जैकेट को एक्सेप्ट करता हूँ, वो तो मैं कर चुका हूँ, और ये जैकेट मैंने खरीद लिया, मेरे ही लिए तो लगा हुआ था यहाँ पे। ऐसे बोल के मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी। मैं कहा एकदम से भागूंगा तो इसको पता चल जाएगा कि इसके पास पैसे नहीं है। मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी, मैं वहां से चलने लगा। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या काम किया, पहले वो मेरे को उसी फर्स्ट शॉप पे ही मुझे वो जैकेट मिल गई, कि मैं शॉप पे देख कर नहीं आया था। हम नॉर्मली यार हम ऑनलाइन साइट्स पे देखते हैं चीजें, तो ऑनलाइन साइट पे ही मैंने वो जैकेट देखी थी। अब मैं उस शॉप पे गया, वहीं पे मेरे को वो जैकेट मिल गई, मुझे पसंद तो थी, मुझे लेनी थी, लेकिन मैंने नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से ना, अपने मैंने बोला नहीं नेगेटिव थॉट को कि यार ये बहुत महंगी है, ना मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत महंगी है तो मैं ले नहीं सकता, नहीं, मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। पॉजिटिव में मैंने क्या कन्वर्ट किया कि यस, ये जैकेट तो मैं मेंटली एक्सेप्ट करता हूँ, ये तो वही तो जैकेट है, मैं लेनी थी, यही तो लेने आया हुआ हूँ मैं, और ये मैंने ले ली, ठीक है, बस ये सोचा। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी, मैं वहां से निकलते उसने मुझे रोक लिया। कह रहा सर रुको, एक मिनट, क्या हुआ, क्या आपको ये जैकेट पसंद नहीं आया? मैं कहा यार पसंद क्या, मैंने ले ली, मैं ले जाऊंगा इसको अभी आके। कहते नहीं, ऐसे नहीं, ये मेरे पास लास्ट पीस है, और अगर आप इसको अभी परचेज करोगे तो मैं आपको 50% ऑफ में दे दूंगा। ठीक है, मेरे को 50% ऑफ में भी मिल गई। तो अभी देखिए, हर चीज के लिए काम करता है ये, हर चीज में। मैं आपको पिछली कई वीडियोस में मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर चीज से आपको हेल्प करता है, मींस हर तरीके से वो आपको हेल्प करता है। अब देखिए, मैंने नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया, बिल्कुल भी नहीं आने दिया मैंने नेगेटिव थॉट। हमेशा अपना थॉट जो है, थॉट प्रोसेस मैंने पॉजिटिव रखा कि मैं जाऊँगा, मैं जैकेट लेके आ जाऊँगा। मैं गया, मैंने जैकेट ली और मैं आ गया, और वो मेरे बजट में मुझे मिल गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि यार 5,000 की मैं तो नहीं ले सकता। तो मैं इस वीडियो से, ये जो मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको सारी कहानी मैंने अपनी बताई है आपको, जो मेरे साथ हुआ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ पे विश्वास कीजिए। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास रखिए। जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो आप ज़रूर कीजिए, उसको भूलिए मत,
सोने से पहले आपको ज़रूर अच्छी बातें सोचनी है। उठते ही अगर आप उनको फिर से सोच लेते हैं तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको दुनिया में कोई चीज़ नहीं देख सकती। कि अगर आप उठते ही वो बातें सोच रहे जो आप सोने से पहले सोच के सोए थे, अच्छी बातें जो आपने अपने लिए सोच रखी है, वो बातें आपको सोचनी है, और वही सोचनी है आपको, हर चीज़ सोचनी है आपको, तरीके से सोचना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी तब से लेके अब तक, मेरे साथ बीच में क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए था और वो मुझे किस तरीके से मिला, मैंने शेयर किया। तो गाइस आप भी मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं डिटेल में देख लेता हूँ कितने सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं और कितने अनसब्सक्राइब, जो लोगों ने अनसब्सक्राइब मेरे को नहीं किया, सब्सक्राइबर जो मेरे नहीं है वो कितने वीडियोस देखते हैं। तो वो लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊंगा। मुझे कोई सब्सक्राइब करेगा नहीं, मैं अकेला बोल बोल के चला जाऊंगा, इससे मेरी भी एनर्जी खत्म होगी और आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए फिफ्थ डे की वीडियो में शाम को इसलिए डालता हूँ ताकि आप देख सके अच्छे से, और आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और सिक्स डे पर मैं आपको एक नई एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक आप पॉजिटिव सोचिए।